हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए किस सब्जेक्ट में किस वर्ग को कितनी सीटें या पोस्ट निकाली गई हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जनरल को 275, OBC को 156, SC के लिए 79 और ST के लिए 1 सीट दी गई है और टोटल 511 सीट्स पर फॉर्म भराए जा रहे हैं। हिंदी विषय के लिए जनरल को 294, OBC को 125, SC के लिए 89 और ST के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। टोटल 509 पोस्ट हिंदी विषय के लिए दी निकाली गई हैं। गणित के लिए जनरल को 296, OBC के लिए 147, SC के लिए 65 और ST के लिए 099 पोस्ट हैं। गृह विज्ञान के लिए जनरल की 76 पोस्ट हैं, OBC की 41 पोस्ट हैं, SC की 22 पोस्ट हैं, ST की 0 पोस्ट हैं, ST की 0 पोस्ट हैं, टोटल 139 पोस्ट हैं। गृह विज्ञान की कला के लिए जनरल की 71 पोस्ट हैं, OBC की 35 पोस्ट हैं और SC की 26 पोस्ट हैं और ST की इसमें भी 0 पोस्ट हैं, टोटल 132 पोस्ट कला वर्ग के लिए हैं, कला सब्जेक्ट के लिए हैं। वाणिज्य के लिए जनरल की 24 पोस्ट हैं, वहीं OBC की 10 पोस्ट हैं और SC की 4 पोस्ट हैं, टोटल 38 पोस्ट वाणिज्य के लिए निर्धारित की गई हैं। वहीं संगीत के लिए जनरल की 6 हैं, OBC की 0, SC की 1, ST की 1, टोटल 7 पोस्ट संगीत के लिए हैं। कृषि के लिए जनरल की 23 हैं, OBC की 15 हैं, SC की 8 हैं, ST की 1 है, टोटल 47 पोस्ट निकाली गई हैं। जीव विज्ञान के लिए जनरल की 37 पोस्ट हैं, OBC की 8 हैं और SC की 4 हैं, ST की इसमें भी 0 हैं और टोटल 49 पोस्ट हैं। उर्दू के लिए जनरल की 6 हैं, OBC की 6 हैं, SC की 0 और ST की भी दोनों लोगों की इसमें 0 पोस्टें हैं, टोटल 12 पोस्ट उर्दू के लिए निर्धारित किए गए। संगीत वादन के लिए जनरल की 2, OBC की 0, SC की 2, ST की भी इसमें 0 है, टोटल 4 हैं। टोटल बालक वर्ग के लिए, प्रशिक्षित बालक वर्ग के लिए टोटल 3213 पोस्टों पर फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए इंग्लिश में जनरल के लिए 36 हैं लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, और OBC के लिए 6 है, SC की 4 है, ST की 0 है और टोटल 46 पोस्ट हैं। हिंदी के लिए जनरल के लिए 33 हैं, OBC की 13 हैं और SC की 4 हैं, SC की 2 हैं और ST की 0 है, टोटल 48 पोस्ट हैं। गणित के लिए जनरल के लिए 17 हैं और OBC की 2 हैं और SC की 6 हैं, ST की 0 हैं, टोटल 25 पोस्ट हैं। सामाजिक विषय के लिए जनरल के 28 पोस्ट हैं, OBC के लिए सामाजिक विज्ञान की 17 हैं और SC की सामाजिक विषय के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 0 है, टोटल 46 पोस्ट सामाजिक विषय के लिए निर्धारित की गई। संस्कृत के लिए जनरल के 18 पोस्ट हैं, OBC की 7 पोस्ट हैं, SC की मात्र 2 ही पोस्ट हैं संस्कृत में और ST के लिए 0, टोटल 27 पोस्ट संस्कृत के लिए निर्धारित की गई। सारे शिक्षा के लिए जनरल की 8 हैं, OBC की 4 हैं, सारे शिक्षा के लिए SC के सारे शिक्षा में 1 ही पोस्ट है और ST के लिए 0, मात्र 13 पोस्ट सारे शिक्षा के लिए निर्धारित की गई। वहीं विज्ञान के लिए जनरल के लिए 25 पोस्ट हैं, OBC के लिए 12 पोस्ट हैं विज्ञान के लिए, SC की 4 पोस्ट है विज्ञान के लिए, ST के लिए 0 है और टोटल 41 पोस्ट विज्ञान के लिए निर्धारित की गई है। वहीं गृह विज्ञान के लिए जनरल के लिए 21 पोस्ट हैं, OBC के लिए 12 पोस्ट हैं और SC के लिए 7 पोस्ट गृह विज्ञान में निर्धारित की है, टोटल 40 पोस्ट गृह विज्ञान में निकाले गए हैं। कला वर्ग के लिए जनरल में 11 सीट हैं, OBC के लिए 5 पोस्ट हैं, इसमें SC और ST के लिए 1 भी सीट या पोस्ट नहीं दी गई है, टोटल 16 पोस्टों पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। संगीत वादन के लिए जनरल की 12 पोस्ट हैं, OBC की 1 पोस्ट है, ST SC की 3 पोस्ट हैं,
और ST के लिए 0 हैं। टोटल 16 पोस्टों पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। वहीं जीव विज्ञान के लिए जनरल में एक भी पोस्ट नहीं है। जीव विज्ञान हो गया। OBC के लिए एक पोस्ट है। SC ST के लिए भी एक भी पोस्ट नहीं है। मात्र एक पोस्ट के लिए जीव विज्ञान का बालिका वर्ग में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उर्दू के लिए जनरल में 0 हैं। OBC की 1 है। SC और ST की इसमें भी 0 हैं। टोटल एक पोस्ट पर बालिका वर्ग में उर्दू के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। संगीत वादन में जनरल की 3 पोस्ट हैं। OBC की 2 पोस्ट हैं और SC की 1 पोस्ट है। ST की इसमें भी 0 हैं। टोटल 6 पोस्ट पर संगीत वादन के लिए बालिका वर्ग में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जनरल की 212 सीट्स हैं सभी सब्जेक्ट मिलाकर और OBC की 83 सीटें हैं सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। SC की 31 सीटें हैं बालिका वर्ग में सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। मात्र 300 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT में 3,539 पोस्ट हैं, जिसमें बालकों के लिए 3,213 पोस्ट, वहीं बालिकाओं के लिए मात्र 326। दोस्तों, हमने TGT में किस विषय के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस वर्ग को कितनी सीटें दी गई, इस पर चर्चा की है। कल हम इसी समय PGT में किस विषय के लिए, किस वर्ग को कितनी सीटें दी गई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।